अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको आज दे रही हूँ अपना न्यू ओवन, मैंने ख़रीदा है, बाय किया है, और ये क्राउन का है। और ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ये मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू अ रिव्यू। सो स्टार्ट करते हैं। ये अच्छा जी, मैं आपको दिखा रही हूँ इसका, ओपन करेंगे इसको, ठीक है। तो इसके 3 बर्नर्स हैं और इसकी स्टील की बॉडी है और तामचीनी का इसका पूरा मटीरियल है, ठीक है जी। अच्छा, इसके 3 बर्नर्स हैं और 3 बर्नर्स के आप देख रहे हैं कि ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ है। और गैस ओवन है, ठीक है, तो गैस से ही चल, गैस ओवन है तो ऑब्वियसली गैस से ही चलेगा। तो ऊपर नीचे 2 बर्नर्स लगे हुए हैं अंदर भी ओवन में। तो मैं आपको जस्ट ये रिव्यू दे रही हूँ, और जब बेकिंग करूँगी तो जब मैं ऑन करूँगी ओवन तो उसका रिव्यू मैं अलग से दूँगी, कुछ बना के आपको दिखाऊँगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको सिर्फ अभी चीज़ों का, अच्छा बर्नर देखिए, इसको सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, ईजी टू यूज़ है। आप इसको ऊपर से निकाल सकते हैं और अंदर से भी इसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है जी। और स्विच इसके फर्स्ट का ये फर्स्ट, और वो सेकंड, और ये थर्ड का, ठीक है जी। और ये जो है ग्रिल का है, जब आप कोई चिकन रोस्ट करते हैं होल चिकन, तो वो रॉड ऑटोमेटिकली रोटेट होगी। और ये ओवन का है, 100 मतलब इस तरह ऊपर की ग्रिल है और राइट पे नीचे की है, और ऊपर लेफ्ट पे ऊपर की है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए इसका इसका जो ओपन गेट है ग्लास का है पूरा, और अंदर से तामचीनी का, ऊपर से ग्लास है। और ये देखिए ये ऊपर वाला बर्नर है, और ये नीचे की ट्रे निकाल के भी आप, अगर आपको डर लगता है जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा स्कैरी फील हो रहा है यूज़ करते हुए अभी, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने मुझे इसको यूज़ चला के दिखाया तो वो बहुत इजी लगा। तो अच्छा जी, तो जब मैं इसको ऑन करूँगी, जब मैं अपने तौर पे इस्तेमाल करूँगी, तो मैं आपको उसका अलग से रिव्यू दूँगी। बट ये अभी मैं आपको चीज़ें इसकी दिखा रही हूँ, मटीरियल दिखा रही हूँ। ये इसकी रॉड है जो रोटेट होगी, जिसमें आप होल चिकन लगा सकते हैं या मटन रोस्ट कर सकते हैं, रान रोस्ट कर सकते हैं, वट एवर, मतलब कोई भी आप मीट का जो है आइटम इस पर रोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये ग्रिल है, और ये देखिए शीशे का है पूरा, ये तामचीनी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये इसका गेट इस तरफ, मतलब आप हाफ हाफ करके भी बंद कर सकते हैं जैसे आपको सहूलत हो। और ये पूरा शीशा है, और देखिए यहाँ से नज़र आ रहा है। और इसके जो है पाए भी दिए थे 4, हमें पहले समझ में नहीं आ रहा था कि किसके इस्तेमाल के लिए हैं, या अभी थोड़ा डस्ट आपको नज़र आ रहा हो क्योंकि अभी ही मेरे हस्बैंड ने इसको फिक्स किया है, दैट्स वाई। तो अब जो है मैं आपको इसको चला के दिखा रही थी, लेकिन थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो बस ये सिंपल सा रिव्यू, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो खैर बहुत पसंद आया है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं इसके बारे में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा, ठीक है। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट इसके बेकिंग रिव्यू के लिए, जो मैं आपको बेकिंग करके दिखाऊँगी। तब तक के लिए